हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेंद्र राजावत सिटीजनवा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज का टॉपिक नंबर वन, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अर्थात भाजकता के नियम। भाजकता के नियम क्या होता है, कहाँ इसका यूज होता है, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमें क्यों पढ़ना है। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमारे को पढ़ने का हमारा मेन पर्पज है हमारी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करना। हमारी कैलकुलेशन स्पीड कैसे इम्प्रूव हो सकती है, इसको समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमें पढ़ना क्यों है। ये टॉपिक हमारे को पढ़ना पड़ता है क्योंकि इससे हम ये चेक करके बता सकते हैं कि कोई भी एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। अगर किसी नंबर को हमें दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, लेकिन एक तो तरीका यह है हम डिवाइड करने बैठ जाए और लास्ट में हमारे पास जो उस हिसाब से रिजल्ट आएगा उस हिसाब से हम बता देंगे कि ये डिवाइड हो गया या नहीं होगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अगर हम याद रखते हैं तो हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। जिससे कि क्या होगा, अगर कोई नंबर उस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम पहले से ही देख के बता देंगे, तो हम उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उससे डिवाइड करने की कोशिश ही नहीं करेंगे और किसी दूसरे नंबर से फिर चेक करके देखेंगे। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने का मेन पर्पज ये है। और ये कहाँ कहाँ हमें पढ़ने को मिलता है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ क्लासेस के अंदर ये टॉपिक चैप्टर के अंदर दिया हुआ भी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस वाले चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कोई भी नंबर दो से डिविजिबल है या नहीं है, तीन से डिविजिबल है या नहीं है, चार से डिविजिबल है या नहीं है। तो वो बहुत बड़ा नंबर दे देंगे। एक तो ये तरीका है कि तुम वहाँ कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, लेकिन वहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत कम टाइम में करने पड़ते हैं, तो इसलिए हम वहाँ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। 20 सेकेंड में, 10 सेकेंड में एक क्वेश्चन करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आपके 2-3 मिनट लग जाएगी, और अगर कैलकुलेशन स्पीड हमारी और भी ज़्यादा स्लो है तो हम और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। तो यानी कि हम दूसरे क्वेश्चन जो करने वाले थे उसका टाइम हमने यहाँ पे यूज कर लिया, जिससे कि हमारे बाकी के क्वेश्चन छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम दो नोट देख लेते हैं। ये नोट आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। नोट नंबर वन ये है कि जितने भी नंबर्स हमारे पास होते हैं उन सभी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, वन से डिवाइड कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय वन। जितने भी नंबर्स हैं वो वन से डिविजिबल होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे 7 है, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम डिवाइड हो गया। जैसे 243 है, 243 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 243 आ गया, क्योंकि 1 की टेबल में 243 कितने टाइम्स में आएगा, 243 टाइम्स में आएगा, तो 243 हमारे पास हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। दूसरा नोट क्या है, वो नोट भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स, सभी नंबर से क्या होता है, 0 डिविजिबल होता है। यहां ध्यान रखना एक्सेप्ट 0, हम 0 को 0 से डिवाइड नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर क्या होगा, हम ये देखेंगे कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, तो उसका वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ध्यान रखना किसी भी नंबर को, जैसे हमारे पास जीरो एक नंबर है जिसको हम 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 0 आंसर आएगा। 0 एक नंबर है जिसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। 0/0 हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या कहलाती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म यानी अनिर्धारित रूप, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारी पूरी मैथमेटिक्स ही बदल जाएगी। हम अपने मन से जो प्रूफ करना चाहे वो प्रूफ कर सकते हैं, अगर 0 से हम डिविजिबल, 0 से डिवाइड करने को हम मैथमेटिक्स में अलाउ कर दें, यानी कि हम बोल दें कि 0 से डिवाइड कर सकते हो चलो, तो हम कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम 1/2 होता है, 1/10 होता है, 1/100 होता है, कुछ भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों नोट एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आज हम जो टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो क्या है, 2, 3, 4 और 5 के डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहले है रूल ऑफ टू। तो हम कैसे पता करें कि कोई भी नंबर दो से डिविजिबल है या नहीं है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नंबर है, गिवन नंबर है हमारा, वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, अर्थात सम होना चाहिए। तो अगर कोई भी गिवन नंबर सम है तो सम की कैसे पहचान करते हैं, किसी भी नंबर का वंस डिजिट जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक, वो अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा, दो से डिविजिबल होगा। कोई एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ, जैसे 508 हो गया, 246 हो गया, 124 हो गया। तो ये सभी एग्जांपल्स क्या है, ये सभी दो से डिविजिबल है ये सभी नंबर्स। क्यों? क्योंकि देखो ये सभी नंबर्स इवन है। क्यों? क्योंकि इसका वंस डिजिट क्या आ रहा है, इसका 8 है, 6 है, इसका 4 है, ये इन्हीं में से कोई आ रहा है, तो ये सभी नंबर्स क्या है, दो से डिविजिबल होंगे। अब कोई पूछे कि क्या ये नंबर दो से डिविजिबल है कि नहीं? सर ये दो से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला नंबर क्या है, ओड नंबर है, अर्थात विषम संख्या है, और इसका वंस डिजिट इनमें से कोई नहीं है। तो ये दो के लिए रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है। किसी भी नंबर को चेक करना है तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सेकेंड है रूल फॉर ऑफ थ्री। तो थ्री के लिए कैसे चेक करें कि कोई भी नंबर थ्री से डिविजिबल होता है या नहीं होता है? तो इसके लिए जो रूल है वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, ये वाला एग्जांपल लिख देता हूँ, और तो इस नंबर को चेक करना है कि ये तीन से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को हम पहले लिख देते हैं, उन स्टेप्स को। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, तो इसके अंदर जो डिजिट्स है अर्थात अंक है, कौन कौन से हैं यहाँ पे डिजिट्स, यहाँ पे डिजिट्स है 2 है 4 है 3 है और 3 है, ये सभी डिजिट्स दिए हुए हैं। इनका क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, अर्थात इनका योग निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, अंकों का योग निकालेंगे। तो अंकों का योग निकाल के देखा हमने, 2, 4, 3 और 3, तो 2, 4, 6, 6 और 3, 9, 9 और 2, 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो अगर इसके सम ऑफ डिजिट्स को अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, तो ये क्या सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 है? हाँ, ये सम ऑफ डिजिट्स क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। तो ये क्या होगा, ये जो गिवन नंबर है ये भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 3। ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब आप लोग सोचोगे कि इतना टाइम लग गया सर इसमें, तो इससे अच्छा तो हम डिवाइड करके ही देख लेते। ये मैंने लिखा है, ये आप मन में कर सकते हो कैलकुलेशन स्पीड। अब सम ऑफ डिजिट्स करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमें काफ़ी छोटा नंबर मिला है जिसको ही 3 से डिवाइड करके देखना है, जिससे कि क्या होगा, हम बहुत जल्दी से डिवाइड करके देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसी के ऊपर हम 3-4 एग्जांपल्स और देखते हैं, इन्हें आप लोग चेक करके बताओ कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको चेक करें तो ये डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो सब वही काम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 और 1 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18। तो इसके सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है इसका, 18। क्या 18 डिविजिबल बाई 3 होता है? तो हाँ, ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। ये चीज़ समझ में आ गए। इसी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। देखो इसके अंदर क्या एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है, 2x7853 1 और 4, इस टाइप का कोई नंबर गिवन है। तो हमें ये बताना है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x क्या हो सकता है, तो पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि x एक डिजिट है, तो हमारे पास मैथमेटिक्स में 0 से 9 तक के डिजिट्स ही हम यूज कर सकते हैं। तो 0 से 9 के बीच में ही इसका आंसर आने वाला है। तो क्या आएगा ये हम कैसे पता करें, इसके अंदर एक कंडीशन और दी हुई है कि ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए इसके सबसे पहले हम क्या निकालेंगे,
सम ऑफ डिजिट्स यानी कि इसके अंकों का हमने योग निकाला। तो अंकों का योग कितना आएगा पहले वो देखते हैं हम, उसके बाद में आगे देखते हैं। तो देखो 2 + x + 7 + 8 + 5 + 3 + 1 + 4 तो कितना हुआ, पहले इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 5 4 और 1 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 8 21 28 30 30 + x ये सभी नंबर्स आ गए। तो x की क्या क्या वैल्यू पे पॉसिबल है, तो पहले तो देखो ये 30 भी क्या है 3 से डिविजिबल है। अब अगला नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो इसके लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 कर दें हम, तो 0 होगा तो 30 + 0 कितना रहेगा 30 ही रहने वाला है। तो 30 क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। अगर हम इसकी जगह पे 3 रख दें तो क्या होगा 33 हो जाएगा, जिसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर हम 6 लिखें और हम 9 लिखें तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं x के, 0 3 6 और 9। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी एक बार नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अब है रूल ऑफ 4। तो 4 के लिए क्या रूल होते हैं वो देखते हैं। तो देखो तो 4 के दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला रूल तो ये कहता है कि जैसे कोई एक नंबर दिया हुआ है हमारे, ये उसके डिजिट्स लिखे हुए, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो हम बोल देंगे कि ये पूरा नंबर भी क्या होगा डिविजिबल बाय 4। ये पूरा नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 4 1 6 तो हमें पूरे नंबर को पता करना है ये डिविजिबल है या नहीं है। तो हम केवल क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देख लेंगे, ये क्या ये 16 4 से डिवाइड होता है, हाँ सर 16 4 से 4 टाइम डिवाइड होता है। तो हम बोल देंगे कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ हमें आंसर पता नहीं चलता है कि कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, सिर्फ यहाँ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से हमें ये पता चलने वाला है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक था। अब इसी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। देखो देखो एक चीज और ध्यान रखना, मैं काफी बार डिजिट्स के बीच में या जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो 2-3 चीजें मैं बार बार बोलूंगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए पहले से। ये जो डिजिट है इसको हम क्या बोलते हैं लास्ट डिजिट, ठीक है, इसको लास्ट डिजिट बोल के चलूंगा मैं। आप मैं जब भी कैलकुलेशन करूंगा या जब भी मैं बोलूंगा तो लास्ट डिजिट इसको मानूंगा, आप लोग इधर से शुरू करोगे तो इसको मान सकते हो, लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट डिजिट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट डिजिट किसको बोल रहा हूँ, तो यानी कि मैं लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहा हूँ, तो लेफ्ट वाले को मैं फर्स्ट डिजिट बोलूँगा और राइट वाले को लास्ट डिजिट बोलूँगा। ये क्यों बताया अभी बताता हूँ। देखो इसी में हमें अगर चेक करना है कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम एक तरीका और है हमारे पास चेक करने का, हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ये इसका 10th डिजिट है, ठीक है, यानी कि इसका दहाई का अंक दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये दहाई का अंक क्या है इवन है, यानी कि सम है, इवन है सम है, तो सम क्या हो सकते हैं 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या 8 हो सकता है, तो इसका जो वंस डिजिट है अर्थात इकाई का जो अंक है वो क्या होना चाहिए वो देखते हैं। देखो अगर मान लो कि ये 0 है तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 तो हो नहीं सकता, 2 होगा तो 0 2 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए, ठीक है, या 0 भी हो सकता है। तो जो
अगर किसी भी नंबर में उसका टेंस डिजिट इवन है अर्थात सम है यानी कि 0, 2, 4, 6 या 8 में से है तो उसका वंस डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए 0, 4 या 8 होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर होगा इसके जब ये टेंस डिजिट पे होगा तो कभी भी ये नंबर जो बनेगा लास्ट का 2 डिजिट वाला वो 4 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी के साथ दूसरा टॉपिक इसमें बनता है वो ये है कि देखो अगर इसका टेंस डिजिट ओड है, टेंस डिजिट क्या है ओड है, तो इसका जो वंस डिजिट है ओड मतलब कि 1, 3, 5 और या 7 और 9 में से कोई एक है तो इसका जो वंस डिजिट है तो 2 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, इसके अलावा कोई होगा तो हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल उठा लेते हैं, हम दोनों के एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है, जैसे कि हमने क्या किया ये नंबर है इस जगह पर 0 रख दिया, ठीक है, या फिर हम 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 या 8 रख सकते हैं। तो इस जगह पे क्या आएगा, देखो 0 अगर होगा तो यहाँ 0 अगर हमने फिक्स कर दिया तो यहाँ क्या होगा 4 हो सकता है, तो 0, 4 भी डिवाइड होगा या फिर 8 हो सकता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ 0 होगा तो 20 बन जाएगा, 4 होगा तो 24 बन जाएगा, 8 होगा तो 28। तो 20, 24, 28 तीनों ही क्या होते हैं 4 से डिविजिबल है। सेम आप 6 के लिए 8 के लिए भी करके देख सकते हो, ये भी क्या होगा हमेशा लागू होगा यहाँ पे। अब इस वाले एग्जांपल को भी देख लेते हैं, इसमें क्या है जैसे कि हम यहाँ पे ओड नंबर कोई भी रख देते हैं जैसे 1 है, तो यहाँ क्या होगा अगर यहाँ हम क्या करें 2 पुट करें तो 12 बन गया, तो 12 क्या होता है 4 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये वाला रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो तरीका है लास्ट के 2 डिजिट्स को हम क्या करें डायरेक्ट डिवाइड करके देख लें, अगर वो डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, वरना 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके अलावा हम दोनों ये तरीके भी फॉलो कर सकते हैं जिसके अंदर क्या होगा कि हम टेंस डिजिट को देखेंगे, टेंस डिजिट अगर इवन है तो वंस डिजिट 0, 4 या 8 होना चाहिए, और अगर टेंस डिजिट ओड है तो वंस डिजिट यानी कि इकाई का अंक हमेशा 2 और 6 होना चाहिए, तभी क्या होगा हम पता कर सकते हैं कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। जो लास्ट है हमारा आज के लेक्चर का वो है रूल ऑफ 5। तो रूल ऑफ 5 बहुत ही ज़्यादा सिंपल रूल है। तो जैसे ये हमारा कोई नंबर दिया हुआ है, इसके डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो ये इसका वंस डिजिट है अर्थात इसका इकाई का अंक हमारे को दिया हुआ है, तो इसका वंस डिजिट हमेशा 0 या 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 के टेबल में जो आएगा वही क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा अर्थात जिसमें उसी में 5 का भाग जाएगा। तो 5 के टेबल में क्या क्या आता है 5, 10, 15, 20, देखो सबके लास्ट में क्या आ रहा है यानी कि वंस डिजिट पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका क्या 2, 4, 5 से डिविजिबल है कि हाँ सर 2, 4, 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसका वंस डिजिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। क्या 2, 4, 0 भी 5 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। क्या 2, 4, 2, 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, ये दोनों 5 से डिविजिबल है। तो आज के लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा कि 2, 3, 4, 5 से कैसे हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये हम चेक कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे 6 से लेकर 10 तक के नंबर्स के लिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किसी भी नंबर को हम 6, 7, 8, 9 और 10 से कब डिवाइड कर सकते हैं। और इसी सीरीज के अंदर हम आगे 30 तक के नंबर्स के लिए सभी के लिए क्या करने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया वो भी आप बता देना, जिससे कि मैं आपको इसके लिए एक अलग से एक वीडियो में आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।